हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी की वीडियो। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की जलवायु का ऋतु वर्गीकरण, यानी कि सीजनल जो क्लासिफिकेशन है वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सामान्य वर्गीकरण पढ़ा था और व्यक्तिगत वर्गीकरण भी पढ़ा था। ये उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे क्लाइमेट का सीजन क्लासिफिकेशन की जलवायु का ऋतु वर्गीकरण। वर्गीकरण में राजस्थान की जलवायु को टोटल चार भागों में बांटा गया है। इससे पहले जो हमने व्यक्तिगत क्लासिफिकेशन पढ़े थे, वर्गीकरण पढ़े थे, उनमें भी सबको चार चार भागों में बांटा था, चाहे वो कोपेन वाला था, ट्रिवार्था वाला था या थॉर्नवेट वाला था। लेकिन एक जो मौसम विभाग द्वारा है सामान्य वर्गीकरण, उसमें कितने वर्गीकरण थे? पांच थे, ध्यान रखेंगे। बाकी सब में कितने हैं? चार वर्गीकरण। चार वर्गीकरण देखिए कैसे हैं। यहाँ पे मौसम आप लोग जानते हो, ऋतु आप लोग जानते हो, समर, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु, इन चार भागों में वो जलवायु को बांटा गया है, ध्यान देंगे। यहाँ पे यही आपको याद करने, ग्रीष्म, वर्षा, शरद या शीत आपको याद करने हैं, ना कि वो जो गाना है पतझड़, सावन, बसंत, बहार और पांचवा मौसम प्यार, वो नहीं है, वो हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो ये वाले चार हैं। देखिए सबसे पहले ये ग्रीष्म ऋतु है। शुरुआत कब से होती है ग्रीष्म ऋतु की? मार्च में स्टार्ट हो जाती है, मार्च से अप्रैल, मई, जून तक हमें मालूम है। देखिए 21 मार्च जो डेट है वो इम्पोर्टेंट डेट है, और उसके साथ में 21 जून भी एक इम्पोर्टेंट, ये दो इम्पोर्टेंट डेट किस लिए है? देखिए साल में ऐसा दो बार होता है जब दिन और रात दोनों के हैं बराबर होते हैं, इनको इक्विनॉक्स भी कहा जाता है। दिन और रात बराबर होते हैं, एक मार्च में होते हैं और दूसरा कब होते हैं? सितंबर में होते हैं। 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं, उसके बाद जो दिन है उसकी ड्यूरेशन क्या होती है? बढ़ने लग जाती है, दिन बड़े होने लग जाते हैं, रात छोटी होने लग जाती है। और 21 जून ऐसा दिन आता है जिस दिन सबसे बड़ा दिन होता है, बिगेस्ट डे होता है, ये हमने पहले से पढ़ लिया था। इस समय क्या होता है? सूर्य की जो किरणें हैं, जब दिन और रात यहाँ पे आपके बराबर हैं, 21 मार्च की बात कर रहे हैं, इस वक्त सूर्य की किरणें कहाँ? आपकी मध्य रेखा पर सीधी पड़ रही होती हैं, और अब धीरे धीरे सूर्य की किरणें हैं वो कर्क रेखा की तरफ आनी स्टार्ट हो जाती हैं। सूर्य का जो रोटेशन है, जो घूर्णन है, वो इस प्रकार होता है कि अब धीरे धीरे जो सूर्य की किरणें हैं वो पहले ज़्यादा तिरछी हुआ करती हैं, कि सर्दियों में ज़्यादा तिरछी हुआ करती हैं, अब जो हैं वो क्या होंगी? धीरे 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 क्या होने, ये सीधी होने लग जाएंगी। और 21 जून वो डेट थी जिसमें सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा, और क्योंकि कर्क रेखा भारत से भी गुजरती है और राजस्थान से भी गुजरती है, इसी कारण 21 जून को क्या होती है? खूब अच्छी गर्मी पड़ती है और सबसे बड़ा दिन। ये इस तरह से क्या होगा, धीरे धीरे हमारी गर्मी बढ़ती रहती है और जून में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और उसके बाद क्या होगा, वर्षा आनी स्टार्ट हो जाएगी, मानसून आ जाएगा। तो जून में मानसून आ जाता है, 1 जून को मानसून भारत में मालाबार तट पे प्रवेश कर लेता है। उसके बाद ये वर्षा ऋतु चलता रहेगा कब तक? सितंबर तक। गर्मियों में क्या होता है, देखिए लू चलती है, आंधी चलती है, भगुलिया आप लोग जानते हैं, भगुलिया जो गोल गोल करके रेत का बना हुआ आता है, तो हम अभी देखेंगे वैसे डिटेल में। और वर्षा ऋतु में क्या होगा, मानसून आएगा और वर्षा होगी, ये दो एक्टिविटीज होती हैं कब? वर्षा ऋतु में। उसके बाद आप देखिए शरद ऋतु आपका रहेगा अक्टूबर और नवंबर, काफ़ी सुहावना मौसम होता है इस वक्त, वर्षा ऋतु साथ जा रहा होता है और एक तरफ से सर्दियां आ रही होती हैं, दीपावली के आसपास का ये टाइम है। इस समय क्या क्या घटनाएं होती हैं? एक तो रिट्रीटिंग ऑफ मानसून होता है, मानसून जो है वो वापस जा रहा होता है, और एक घटना होती है कार्तिक हीट, अक्टूबर हीट, हम डिटेल में पढ़ेंगे। अक्टूबर के समय में कई बार गर्मी महसूस होती है, पहले देखिए बारिश होती है उस टाइम थोड़ा ठंडा लगता है, बारिश जा चुकी होती है, सर्दियाँ अच्छे से आई नहीं होती, तो एक गर्मी का सा बीच में कुछ दिन होते हैं, नहीं का क्या कहा जाता है अक्टूबर में, और हिंदी में वो कार्तिक महीने में आता है, इसलिए कार्तिक हाँ जाता है। चौथा कौन सा है आपका? शीत ऋतु है, सर्दियों वाला टाइम जानते हो आप लोग, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 3 महीने। इसमें क्या होता है, एक तो मावट होती है, सर्दियों में होने वाली जो वर्षा है उसको बावट कहते हैं, डिटेल में देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और शीत लहरें चलती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, आप जानते हैं तो कान नाक सब ठंडे हो जाते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं किस बारे में, ग्रीष्म ऋतु के बारे में देखते हैं।
तीन यहाँ पे घटनाओं का जिक्र है, लू का, आंधी का और बबुलिया या बबुलिया भी इसको कहते हैं, डस्ट साइक्लोन को कह रहे हैं। सबसे पहले देखिए लू, हम लोगों को वैसे सबको पता ही है, इस टर्म का काफ़ी यूज़ किया जाता है कि गर्मियाँ आ गई हैं, आज तो बहुत लू चली है। अब एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए आप आरएस मेंस का पेपर दे रहे हो और 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया, उस वक्त हमें नहीं पता चलता कि हमें क्या बात लिखनी है। तो जब भी आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, यदि आपका विचार है आरएस का मेंस देने का, आरएस क्लियर करने का, तो फिर आपको जो आंसर है वो इन्हीं फॉर्म्स में याद करने पड़ेंगे, शुरुआत से ऐसे तो डाल लीजिए। अब क्या होती है लू, देखिए शुष्क, गर्म, तेज और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं होती है। देखिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कैसी होती है, ये शुष्क होती है, नमी बिल्कुल नहीं होती, इसलिए गर्म भी होगी, गर्मियों में चल रही है। तेज होती हैं ये हवाएं, अगर धीरे होगी एकदम तो हमें लू महसूस ही नहीं होगी, और कह पश्चिम दिशा से ये का प्रवाह होता है। इसी कारण शुष्क और गर्म होने के कारण क्या हो गया, ये तापमान को बढ़ाती है, गर्मी और ज़्यादा हो जाती है। सर्वाधिक ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में महसूस की जाएंगी, बाड़मेर में महसूस की। ये सारी की सारी बातें आपको मेंशन करनी कि लू क्या होती है। इसके बाद आइए आंधी, आंधी जिसको हम लोग इंग्लिश में डस्ट स्टॉर्म कह रहे हैं, धूल भरी नमी युक्त होती है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, नमी युक्त होती है, आंधी में धूल होती है, ये बात तो सब जानते हैं। तो नमी की मात्रा भी होती है, और कई बार आंधी के बाद क्या होती है, बारिश भी होती है हल्की फुल्की, आपने देखा है। इसके कारण यहाँ क्या हो रहा है, तापमान घट रहा है। इंपॉर्टेंट बात है, देखिए यहाँ पे आंधी जो है वो तापमान को क्या करेगी, आएगी। आंधी आए तो आपको खुश होना है कि कुछ तापमान में गिरावट होगी, लेकिन लू के केस में क्या हो रहा था, तापमान जो है वो बढ़ रहा है, ये ध्यान रखेंगे। लू तापमान बढ़ाएगी जबकि आंधी तापमान को बढ़ाएगी। इसके बाद क्या है, देखिए अगला बबुलिया, ये हम लोगों ने सभी ने देखा, ये आप लोगों के लिए चित्र भी यहाँ पे है, तरह गोल गोल रेत का बनता जाता है। कारण क्या होता है, देखिए जब गर्मी पड़ती है तो ऐसा होता है कई बार कुछ जगह पे जो प्रेशर है दाब है वो क्या कम हो जाता है, कुछ जगह पे प्रेशर है ज़्यादा हो जाता है। मान लीजिए इधर दाब ज़्यादा है, इधर भी दाब ज़्यादा है, दोनों तरफ प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, और यहाँ प्रेशर, तो हवा क्या होगी, ये वाली इधर से ही चलेगी, और ये वाली हवा दाब कम है तो हवा इस तरफ ही आएगी, ज़्यादा दाब से कम दाब की ओर। तो जब ये दोनों हवा विपरीत दिशा से आ रही है तो ये आपस में टकराएंगे और इस तरह से इनमें घुमाव आ जाएगा। धीरे धीरे क्या होता है, ये बढ़ता रहता है, और बढ़ते ये क्या एक घुमाव होने लग जाता है, हवा का घुमाव होता है, तो हवा के साथ धूल भी उड़ने लगती है। और बचपन में आप लोगों को सबको याद होगा, हम लोग इसको कई बार कहते थे कि चप्पल दिखाइए, इसको चप्पल दिखाइए, ये भूत है, ये भाग जाएगा, मानते थे हम लोग, इसको भूत समझते थे, लिया भूत हम लोग इसको कहते हैं, ये वही है। धूल भरी क्या होती है, धूल भरी चक्रवर्ती हवाएं होती है, चक्रवाती अपने आप ही हो गई है क्योंकि चक्र के फॉर्म में है, और सबसे ज्यादा ये कहाँ, बीकानेर में लिए आते हैं। और डस्ट स्टॉर्म, आंधी सबसे ज्यादा कहाँ आएंगी, गंगानगर में आएगी, डिस्ट्रिक्ट भी आप लोग ध्यान का एक्चुअल अगर क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव है आपको ये पता। अब आइए कुछ फैक्ट्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सबसे अधिक गर्मी कब पड़ती है, जून में पड़ती है। फैक्ट सिंपल है, तो राजस्थान का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, हलोदी। ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, वर्तमान की यदि हम लोग बात करें, प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट में जो हलोदी है जोधपुर में है, हाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ये स्थान यहाँ पे पूछा। लेक कौन सा होता था, बेरियावली बाड़मेर में, देखिए इसका नाम ही यहाँ पे बेरी है, लेकिन अब वाले में नाम फल आ रहा है, नाम फल जरूर आ रहा है, लेकिन ये सबसे गर्म स्थान है, ध्यान रखेंगे सबसे गर्म स्थान पे अब आपको फल यहाँ पे हलोदी में। राजस्थान की सबसे गर्म जिला कौन सा है, बता, चूरू जिला, मैं सर अपनी गर्मी के लिए चूरू जिला, ग्रीष्म ऋतु में सबसे ठंडी जगह कौन सी, माउंट आबू। माउंट आबू का ठंडा होने का कारण क्या है, इसकी ऊंचाई, तो हम लोग रिलीफ फीचर्स पढ़ते हैं, ऊंचावत पढ़ते हैं, इसका जो एल्टीट्यूड है हाइट ज़्यादा है, हाइट जैसे जैसे ज़्यादा होती है, हम लोग जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तापमान में गिरावट होती है, इसलिए जो हिल एरियाज होते हैं वो हमें ठंडे होते हैं, तो माउंट आबू भी इसी कारण क्या होता है, ठंडा होता है। इसीलिए अंग्रेज जब यहाँ रहते थे तो गर्मियों में माउंट आबू में ही अपना, ऐसे भारत में शिमला में जाके अपना सेंटर। राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर है जैसलमेर, और वार्षिक तापांतर चूरू, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए एक में दैनिक तापांतर है जिसका आंसर आपका जैसलमेर होगा, नहीं आप तापांतर देखते ही भावुक हो जाओ और कोई सा भी ऑप्शन टिक तो नहीं,
वार्षिक तापांतर, वार्षिक तापांतर जो होने का मतलब देखिए, दैनिक तापांतर का मतलब ये होता है दिन का तापमान और रात के तापमान में अंतर, ये सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, जैसलमेर में पाया जाता है। रेत पाई जाती है, रेत क्या होती है, जितनी जल्दी ठंडी होती है उतनी जल्दी गर्म भी होती है, दोपहर में ये खूब जल्दी गर्म हो जाएगी और रात को क्या होगी ये ठंडी हो जाएगी, इसी कारण क्या होता है तापांतर आ जाता है। दिन में तो 50 डिग्री पहुंच गया, रात को आके 30-32 आ गया। वार्षिक तापांतर क्या होता है, वार्षिक तापांतर का मतलब ये है कि सर्दियों में आप लोगों ने देखा है चूरू की कई बार न्यूज आती है कि बर्फ तक जम जाती है, तो 0 डिग्री के आसपास क्या होता है तापमान चूरू में सर्दियों में आ जाता है, लेकिन गर्मियों में हम लोग देखते हैं 50 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। तो ये 0 से 50 का जो अंतर है सर्दियों और गर्मियों में, इसलिए इसको वार्षिक आ गया। वार्षिक तापांतर सबसे ज्यादा कहाँ है, चूरू में, ये दिन का है, दैनिक नाम से क्लियर हो रहा है, ठीक रहे वाली बात। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले वर्षा ऋतु पे, इंपॉर्टेंट वर्षा ऋतु, काफी सारे क्वेश्चंस वर्षा ऋतु से ही बनने के चांसेस है। देखिए सबसे पहले मॉनसून के बारे में हम लोग जान लेते हैं, मॉनसून क्या होता है, सबको पता है वैसे ही, बोले मॉनसून आ गया, मॉनसून चला गया, बरसात क्यों हो रही है, मॉनसून पर 2 दिन लेट है, 4 दिन लेट है, 2 दिन पहले है, इस बार मॉनसून अच्छा रहेगा, आप बहुत सुनते हैं। अब होगा क्या, फिर से वही 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, क्या होगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा मेंस में, समझ में नहीं आएगा क्या लिखना है, इसलिए मैंने कहा कि सारी की सारी चीजें सिस्टमेटिक आपको याद करनी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सामने देख ही रहे हैं, देखिए सबसे पहले मॉनसून, मॉनसून की उत्पत्ति कहां से हुई, अरबी का शब्द है मौसम, कौन सा शब्द है मौसम, कहां का, अरबी का, ऑप्शन आ सकता है अरबी का है, फारसी का है, या हिंदी का है, या संस्कृत का है, तो ध्यान देंगे अरबी का शब्द है मौसम, वहां से मॉनसून वर्ड की उत्पत्ति हुई है। जनक कौन है, अल मसूदी, कौन है अल मसूदी, ध्यान रखेंगे ये जनक है मॉनसून के, यहाँ पे मैं आ रहा है, मॉनसून के जनक कौन है, मसूदी, कौन अल मसूदी। मॉनसून होता क्या है, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं, ने बात की थी कि राजस्थान की जो जलवायु है या भारत की जो जलवायु है उसे मॉनसूनी जलवायु यानी मॉनसून क्लाइमेट कहा जाता है। मॉनसून क्लाइमेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ऋतुओं के चेंज होने पे हवा की दिशा में बदलाव आता है, भाई यहाँ पे गर्मियों में जो हवा है वो अलग दिशा में चलती है, सर्दियों में जो है वो अलग दिशा में चलती है, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पे भारत का एक रफ सा डायग्राम बना लेते हैं, अब देखिए जब गर्मियां पड़ती हैं तब जो हवाएं हैं वो इस तरफ से आती हैं, कौन सी तरफ से आएंगी, ये आपके साउथ होगी, दक्षिण हो गया, ये हो गया, तो ये वाली जो दिशा है इसे हम लोग साउथ वेस्ट कहते हैं, ये दक्षिण पश्चिम कहते हैं, दक्षिण पश्चिम से हवाएं चलती हैं। कारण क्या होता है, कारण होता है प्रेशर में अंतर होता है, यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा और यहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है, कारण उसका तापमान होता है, यहाँ ज़्यादा गर्मी हो जाती है, यहाँ थोड़ा ठंडा होता है, समझ वाला इलाका है। तो हवाएं जो है ये अपने आप में मॉनसून टॉपिक है, उसको हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ते हैं, इंडिया का जब पढ़ते हैं, फिलहाल हमें ये ध्यान रखना है कि प्रेशर के अंतर के कारण ज्यादा प्रेशर की तरफ वाली हवाएं कम प्रेशर नहीं कम दाब वाली तरफ जाती है, ये होता है कब, गर्मियों में। लेकिन सर्दियों में क्या होता है, उल्टा होता है, सर्दियों में वापस क्या होगा, यहाँ पे दाब ज्यादा होता है इस वाले इलाके में, तो हवाओं की जो दिशाएं वो क्या होती है, आप देख रहे हो सर्दियों में हवाओं का की जो दिशा है वो अलग है और गर्मियों में अलग है, इसीलिए हमारा जो क्लाइमेट है वो कैसा है, मॉनसूनी क्लाइमेट। ये मॉनसून के बारे में लिखा है, एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार ये हम क्या कहते हैं टाइप, किस टाइप का मॉनसून है, ये अभी हमने देख लिया, साउथ वेस्ट मॉनसून आता है, ये जिस डायरेक्शन से आ रहा है उस डायरेक्शन का है साउथ वेस्ट। मॉनसून की तिथियां, फैक्चुअल क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन क्या बनेंगे, देखिए भारत में जो आगमन है वो कब होता है, 1 जून, कब होगा 1 जून को जो मॉनसून है, और कहां पे, मालाबार कोस्ट, ये अपने भारत यहां बनाए रखा, ये आपका मालाबार का कोस्ट है, मालाबार का अटैक केयर, यहां आके सबसे पहले भारत के अगर नक्शे में इसमें देखते हैं, मेन एंड में देखते हैं, तो यहां पे मालाबार में, और मालाबार के नाम से यदि आपको ध्यान हो तो इंडिया और यूएसए के बीच में
एंड यूएसए के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है, सैन्य अभ्यास भी किया जाता है। किस नाम से? मालाबार एक्सरसाइज है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तट पे किया जाता है। कब आएगा? 1 जून को आएगा। राजस्थान में कब आएगा? 15 जून को। 15 दिन लेट आएगा। कितने दिन लेट आएगा? 15 दिन लेट। और सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? बांसवाड़ा में। बिल्कुल बांसवाड़ा ही पहुंचेगा। ये इस तरह से राजस्थान है, आपने देखा ये वागड़ क्षेत्र यहाँ पे से राजस्थान है, तो ये सबसे नीचे ये जो जिला है वो कौन सा है? बांसवाड़ा है। तो बड़ा सिंपल है, क्वेश्चन अगर आता है तो सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा? मानसून में पहुंच जाएगा। कितने दिन बाद? 15 दिन बाद। निवर्तन यानी वापस कब जाएगा, रिट्रीट कब होएगा? भारत में ये जब वापस आता है उसकी डेट है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को मतलब पूरे भारत को ही छोड़ के मानसून यहाँ से जा चुका है। टोटल कितने महीने हो गए आपके, देख लीजिए, जून से अक्टूबर तक 5 महीने तक यानी मानसून यहाँ पे रहता है। और राजस्थान से कब चला जाएगा ये? 27 से 30 सितंबर तक, यानी सितंबर लास्ट आप याद कर सकते हैं। 27 से 30 सितंबर में जो मानसून है ये राजस्थान को अलविदा कह देता है। हवाएं, मैंने कहा था, वापस चलेंगी, हवाएं अपनी दिशाएं बदलती हैं। तो अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, जब आया था तो 15 दिन लेट आया था, लेकिन जाने में 1 महीने जल्दी कर दी ये राजस्थान के साथ। 15 दिन लेट आया लेकिन 1 महीने पहले चला गया, यानी 3.5 महीने ही रहा कि भारत में कितना रहा? 5 महीने रहा। ठीक है, कारण होता है इसका, जब मानसून आता है ना तो बहुत स्पीड से आता है, जब हवाएं आती हैं साउथ वेस्ट मानसून की बहुत तेजी से आती हैं, लेकिन वापस जब जाती हैं हवाएं नॉर्थ ईस्ट से जो वापस जाएंगी हवाएं, उनकी गति इतनी तेज नहीं होती, इसलिए 1 महीने का यहाँ पे अंतर आ चुका है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो अंडमान और निकोबार 25 मई, यानी भारत में ये मेनलैंड से पहले, ये भी भारत का ही हिस्सा है आपके, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पे, तो सबसे पहले देखिए वैसे यहाँ पहुँचेगा अंडमान निकोबार आइलैंड में, सबसे पहले पहुँचेगा 5 दिन पहले, 1 जून से 5 दिन पहले 25 मई को पहुँच चुका होगा, ध्यान रखेंगे स्पेशली। और सबसे अंत में कहाँ आता है? तो राजस्थान। राजस्थान में कहाँ? जैसलमेर। 15 जुलाई को देखिए कितना लेट है, अगर भारत से कंपेयर करें तो कितना हो गया? 1.5 महीना। और राजस्थान में एंटर होने के बाद भी 1 महीना लग गया जैसलमेर। ये बात थी मानसून से बेसिक बेसिक। अब आइए पढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगला, मानसून की शाखाएं। उनकी शाखाएं ये इंडिया से भी थोड़ा सा रिलेवेंट है और राजस्थान से तो है ही। देखिए यहाँ पे आपके सामने आप देख पा रहे हो मानसून की 2 शाखाएं भारत में, भारत में 2 शाखाएं, एक अरब सागर शाखा है और एक है बंगाल की खाड़ी शाखा है। ये बात हम लोग जानते हैं कि ये भारत का नक्शा है और एक तरफ क्या है आपका, ये अरब सागर, एक तरफ क्या है? अरब सागर, और एक तरफ ये यहाँ पे क्या है आपका? बे ऑफ बंगाल है, जिसे हम क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी। तो इनके नाम से ही यही है, ये याद रखने में तो कोई दिक्कत है नहीं, बंगाल की खाड़ी। अब जो अरब सागर की तरफ से आएगा, क्योंकि इस तरह से हवाएं चलती है, बात की थी साउथ वेस्ट दिशा से दक्षिण पश्चिम से मानसून आपका आएगा, तो एक फिर इस तरफ से आ रहा है बंगाल की खाड़ी की तरफ से आ रहा है और एक आपका अरब सागर की तरफ से आ रहा है, तो इसीलिए ये 2 नाम यहाँ पे आ चुके हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। सबसे पहली बात, मुख्य 2 ही ब्रांच हैं। अब अरब सागर में क्या होंगी? 3 अलग अलग शाखाओं में हम इनका अध्ययन करते हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी वाली 2 अलग अलग भागों में बंटेगी। आइए समझते, ये कौन सा तट है? वेस्टर्न कोस्ट है। अब देखिए यहाँ से जो अरब सागर वाली जो शाखा आ रही है कहाँ तक पहुँचेगी उसके अकॉर्डिंग नाम है। पश्चिमी घाट यानी पश्चिमी घाट तक ही पहुँचेगा, छोटा नागपुर तक जो पहुँचेगा उसका नाम ये हो गया, और हिमाचल तक जो पहुँचेगा, तो जहाँ तक पहुँच रहा है मानसून उसके अकॉर्डिंग उसका नाम है। ये जो वेस्टर्न कोस्ट है यहाँ पे पर्वत पाए जाते हैं, कौन से पर्वत पाए जाते हैं? पर्वत श्रृंखला है यहाँ पे, कौन सी? वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट यहाँ पे पाए जाते हैं। इनकी जो हाइट है वो काफ़ी अच्छी होती है, एवरेज हाइट इनकी 1200 के आसपास है, उससे ऊपर है, कैरावली की हमने देखी थी 930 थी। इनकी जो हाइट है वो ज़्यादा होने के कारण ये जो इधर से हवाएं आएंगी इनको ये पर्वत रोक लेगा, एक तरह मानसून को रोक लेगा, और यहाँ पे खूब ज़्यादा बरसात होती है, खूब अच्छी बरसात होती है यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स में। इसलिए वेस्टर्न घाट्स में जो
वनस्पति है, वनस्पति घनत्व है वो काफी ज्यादा है, बायोडाइवर्सिटी काफी हाई है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है यहाँ पे, और यहाँ पे जो वन फिर पाया जाता है कौन सा है, सदाबहार वन पाया जाता है। सदाबहार वन देखिए या तो यहाँ पे पाए जाते हैं घाट पे, या फिर ये नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट आप लोग जानते हो यहाँ पाए जाते हैं, मेघालय असम। एक शाखा तो यहाँ पे आके रुक गई, ये सबसे पहली शाखा है नंबर प्लेस का नाम, और इसी इसके बाद ये सारी के सारा मॉनसून यहाँ रुक जाएगा, तो इसके बाद वाला जो हिस्सा है इधर वाला हिस्सा, इधर बिल्कुल भी बारिश नहीं, बिल्कुल भी बारिश का मतलब बहुत कम बारिश होती है, इसलिए ये शुष्क प्रदेश है। यहाँ पे शुष्क प्रदेश है, वृष्टि छाया क्षेत्र, इसको रेन शेडो रीजन भी कहा जाता है। अब आइए देखते हैं इसके बाद इधर से जो मानसून की पवने आ रही है, विंड्स आ रही है, यहाँ दो पर्वत, एक तो है विंध्यन, एक है कौन सा है, ये विंध्यन है, दूसरा कौन सा है, सतपुरा, सतपुरा जो हम कहते हैं, ये घाटी है यहाँ पे, नर्मदा की और तापी की घाटियां हैं यहाँ पे, और इन घाटियों से ये हवाएं क्या होती हैं आगे की ओर निकल जाती हैं। अब क्योंकि विंध्यन और सतपुरा जो है वो दोनों ही कैसी हैं, पवनों के जो मानसून आ रहा है उसके पैरेलल है, समानांतर, इसलिए रोक नहीं पाएंगी, और ये आगे जाके इस तरह से आगे जाके छोटा नागपुर जो पठार है, छोटा नागपुर पठार पाया जाता है, छोटा नागपुर खनिज पाए जाते हैं यहाँ, तो धात्विक खनिज काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए काफी, तो ये छोटा नागपुर तक जाएगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, छोटा नागपुर। ये हो गई आपकी। अब जो यहां से पवने आएंगी वो देखिए क्या हो, गुजरात से गुजरती हुई राजस्थान में आएंगी, राजस्थान में कौन से पर्वत है, अरावली पर्वत। अब क्योंकि अरावली पर्वत भी मानसून के कैसे हैं, पैरेलल है, समांतर है, इसलिए इसको रोक नहीं पाएंगे, और ये मानसून आगे कहां तक चला जाएगा, हिमाचल प्रदेश तक, आगे तो आपके हिमालय पर्वत आ जाएंगे, लेंगे आगे जाने नहीं देंगे, तो ये कहां तक पहुंचा, हिमाचल प्रदेश तक पहुंचा, इसलिए इसका नाम शाखा का हिमाचल शाखा हो गया। ये बात समझ में आई होगी, जो वेस्टर्न घाट तक पहुंचा वो ये हो गया, छोटा नागपुर तक पहुंचा, और राजस्थान से संदर्भ किसका है, हिमाचल का है, यहां से गुजरेगा जरूर, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत बारिश यहाँ पे करेगा, मानसून जाते जाते बारिश तो करके ही। अब आइए दूसरी ओर चलते, बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी से इस तरह से मानसून आ रहा है, देखिए ये म्यांमार है यहाँ पे, जिसको हम लोग बर्मा भी कहते थे, यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है, इसका नाम क्या है, अराकन योमा, अराकन योमा, अराकन योमा सीरीज है, यहां से ये मानसून टकराएगा, तो टकराने के बाद दो शाखाओं में बटेगा, ध्यान देंगे, एक शाखा तो होगी ये इधर चला जाएगा और एक जाएगा इधर, ये दो शाखाओं में। अब ये किधर गया देखिए, ये हिमालय पर्वत है इस तरह से, और इधर वाले जो हिमालय हैं वो तो ये है, इन्हें पूर्वांचल कहा जाता है, तो ये कहाँ चला गया, ईस्टर्न हिमालय की तरफ चला गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ईस्टर्न हिमालय पड़ गया, और ये चला गया मैदानों की ओर, वेस्ट बंगाल से होते हुए बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, इस वाले सब जगह आ जाएगा, तो ये मैदानों की, इसलिए देखिए इनके नाम देखिए, पूर्वी हिमालय, एक पूर्वी हिमालय की तरफ चला गया, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की तरफ, और दूसरा आपका कहां जा रहा है, विशाल मैदान, ग्रेट प्लेन्स की तरफ जा रहा है। ये जो है यहां से आता हुआ राजस्थान में फिर से यहां पे अरावली पर्वत से आके टकरा, अरावली पर्वत अब की बार इसके समांतर नहीं है, सामने खड़ी है, ये यहां पे मानसून से टकराएगा, पर्वत टकराएगा यहां पर, फिर क्या होगी, लेकिन ये बारिश कहाँ होगी, केवल और केवल राजस्थान के पूर्वी में, यानी ईस्ट राजस्थान में ही इसकी बारिश होती है, ये जो बारिश है ये केवल ईस्टर्न यानी कि जो पूर्वी पूर्वी राजस्थान में ही ही बारिश होगी। और जो अब अगर क्वेश्चन आता है कि दोनों में से ज्यादा बारिश इसके कारण होती है, तो उसका फिर आपका आंसर क्या होगा,
जो दोनों ब्लू कलर किए गए हैं ये किससे हैं, राजस्थान से। मुझे लगता है कि मानसून वाले कहानी आपके समझ में आई होगी, इंपॉर्टेंट है इंडिया के रेस्पेक्ट में भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये देखिए मिल भी जाते हैं, ये बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा है ये यहाँ पे आके इस वाले मानसून से मिलती भी है, इसलिए फिर इस वाले क्षेत्र में ही बारिश भी होती है। आइए अब आगे चलते हैं, एक और मैप आपके सामने इस तरह का है, सतपुड़ा विंध्य वाला पूरा का पूरा दिखाया गया है, ये मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया है। ये देखिए जो दूसरी शाखा इधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही थी, ये आगे गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां जो आपने सुनी हैं यहाँ पे ये मानसून जाता है, यहाँ जाने के कारण ये कौन सी जगह है, मेघालय है, मेघालय। और आप लोग जानते हो कि मेघालय में चेरापुंजी जो जगह है वो कहाँ पे है, इसी इन पहाड़ियों में ही है। यहाँ पे क्या होती है सबसे ज्यादा बारिश के लिए ये जाना जाता है, ये वाली शाखा है। अब आइए आगे देखते हैं हम, राजस्थान में मानसून सबसे पहले कहाँ से आता है, अरब सागर की कौन सी शाखा से, पाचल शाखा से। फिर राजस्थान की बात हो रही है तो तीन शाखा थी अरब सागर की, कौन सी, वेस्टर्न घाट वाली, छोटा नागपुर वाली और तीसरी आपकी है। राजस्थान में पहले कौन बारिश करती है, हिमाचल शाखा। लेकिन ज्यादा कौन करती है, सर्वाधिक कौन करती है, तो है बंगाल की खाड़ी, कौन सी, बंगाल की खाड़ी वाली हिमालयन, हिमालयन नहीं कहेंगे इसको, इसको क्या कहेंगे, विशाल मैदान, विशाल सर्वाधिक इससे पहले। अब आइए मानसून के प्रभाव जानते हैं, इफेक्ट ऑफ मानसून, सर्वाधिक और न्यूनतम की बात कर रहे हैं। यानी पहला क्वेश्चन बनता है, राजस्थान में कौन से जिले में सर्वाधिक बारिश होती है और सबसे कम कहां होती है, सर्वाधिक होती है झालावाड़, ध्यान रखेंगे बांसवाड़ा नहीं है, यहां पे आंसर क्या है, झालावाड़ है, कहीं आप कंफ्यूज, सबसे पहले कहां आएगा, झालावाड़ में, बांसवाड़ा में आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो बारिश कहां है, झालावाड़ में। वहीं सबसे कम कहाँ है, जैसलमेर, ये आंसर तो सबको पता है, ये झालावाड़ वाला जरा ध्यान, 2 सेंटीमीटर तक की बारिश यहाँ पे होती है। लेकिन यदि आपसे स्थान पूछा जाता है, प्लेस पूछा जाता है कि कौन सी जगह पे बारिश सबसे ज्यादा होती है, तो उसका आंसर आपका माउंट आबू होगा, माउंट आबू में लगभग 150 सेंटीमीटर बारिश। स्थान अगर पूछा जाए सबसे कम, बिल्कुल सम, आसानी से याद, सबसे कम सम, हम वही जगह है जहाँ पे काफी सारे पर्यटक जाते हैं, आप लोग भी गए होंगे वहाँ पे, धूरो में आप कैमल सफारी या डेजर्ट सफारी करने जाते हो, जीप सफारी करने जाते हो, तो यहाँ पे वो इस तरह के धोरे पाए जाने का कारण नहीं है, यहाँ पे बारिश है वो 0 सेंटीमीटर का, 0 सेंटीमीटर का मतलब कि शायद वहाँ पे साल भर में एक भी बूंद ना पड़ती हो, या कभी कभी छींटे। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, एवरेज रेनफॉल से रिलेटेड, एवरेज रेनफॉल जो है औसत बारिश है वो राजस्थान में कितनी होती है, 57.5 होती है, कितनी होती है, 57.5 होती है। अब आइए मानसून के दौरान कुछ घटनाएं हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन आपका देखिए, ब्रस्ट ऑफ मानसून से बन सकता है, गैप इन मानसून से बन सकता है, सुपर हीट से भी बन सकता है, रिटर्न ऑफ मानसून से 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। देखिए मानसून विस्फोट क्या होता है, ब्रस्ट ऑफ मानसून, भारत में या राजस्थान में जो बारिश होती है वो कैसी होती है, एक विस्फोट ही होता है, तो काफी तेजी से पवने आती हैं और खूब ज्यादा बरसात, ये आपके 15 से 20 जुलाई के बीच में क्या है, स्पोर्ट सा होता है, खूब ज्यादा बारिश होती है। ये आसान है, देखिए गैप इन मानसून, मानसून में बीच में गैप भी आता है, जब पहले मानसून आएगा बारिश आएगी सब लोग खेती कर देते हैं, उसके बाद देखिए गैप सा आ जाता है, गैप आने के बाद फिर किसान आसमान की ओर देखता है कि कब दोबारा, तो ये बीच में गैप आ जाता है फिर और बारिश होती है, ये गैप, ये विशेषताएं भी है, कई बार मानसून की विशेषताएं पूछी जाती हैं तो उनमें भी आप लिख सकते हैं कि मानसून से अगर 10 नंबर का आ गया तो उसकी क्या लिखनी है, आपको परिभाषा लिखनी है, इंट्रोडक्शन पूरा लिखना है, मैंने बताया था 4 से 5 लाइन में वो आ जाएगा, उसके बाद भारत के मानसून की कौन कौन सी शाखाएं हैं उनके बारे में आप मेंशन करेंगे, तो उसके बाद आप मानसून की विशेषताएं भी लिख सकते हैं कि भारत का जो मानसून है या राजस्थान का जो मानसून है वो साउथ वेस्ट मानसून है, उसमें एक तो ब्रस्ट ऑफ मानसून होता है, उसमें फिर बीच में गैप आता है, फिर रिटर्न ऑफ मानसून की बात लिख सकते हो, मानसून निवर्तन, मानसून वापस भी तो जाएगा, अभी हमने बात की 30 अक्टूबर को भारत से जाता है लेकिन 27 से 30 सितंबर को ये राजस्थान से चला जाता है। अक्टूबर हीट की बात हमने की कि अब मानसून जा चुका है, दीपावली के आसपास का समय है, सर्दियां पूरी तरह से आई नहीं है, तो बीच में हमें गर्मी है,
वही है आपकी ओके, सिंपल आ गई होगी। आगे चलते हैं, देखिए अब शरद ऋतु और शीत ऋतु, इनमें ज्यादा कोई डिटेल नहीं है। देखिए शरद ऋतु में दो ही बातें हैं, मॉनसून निवर्तन, मॉनसून वापस चला जाता है, और अक्टूबर हीट, ये हमने अभी। शीत ऋतु में देखिए क्या होती है, दो घटनाएं, एक मावठ होती है, ये इंपॉर्टेंट, मावठ वेरी इंपॉर्टेंट राजस्थान के रेस्पेक्ट में काफी इंपॉर्टेंट आती है, और दूसरी कौन सी है, शीत हवाएं हैं। ये नॉर्मल बात है, शीत हवाएं सबको ही पता है, शीत हवाएं यानी सर्दियों में चलने वाली हवाएं, ये राजस्थान में कौन से डिस्ट्रिक्ट को ज्यादा इफेक्ट करती हैं, तो उसमें आप लिख सकते हो गंगानगर, फिर आपका हनुमानगढ़, ऊपर वाले उनको ही विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, चूरू को भी प्रभावित करती है, चूरू में ज्यादा ठंड होने का एक कारण ये भी, सीकर में भी इसका प्रभाव देखा। आसान आंसर ये ऊपर ऊपर वाली ही आपको लिखनी है, मुख्य कई बार पूछते हैं तो वो हनुमानगढ़, चूरू और सीकर का नाम हमें बताया, कौन सी, हनुमानगढ़, सीकर। अब आइए मावट के बारे में हम लोग जान लेते हैं, मावट के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 5 मार्क्स में आने के पूरे पूरे चांस है, और ये खूब सारे इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेंगे, आसान है एकदम। देखिए सबसे पहले तो हमें ये लिखना होता है कि मावट होती क्या है, सिंपल, सर्दियों में विंटर्स में होने वाली जो बारिश है उसे ही हम क्या कहते हैं, मावट कहते हैं, शीतकालीन वर्षा को मावट कहते हैं। अब सर्दियों में मानसून तो नहीं आता, तो क्या कारण है कि सर्दियों में बारिश होती है, उसका कारण है वेरी इंपॉर्टेंट, ये है पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, किसके कारण होती है, क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान में सर्दियों में जो बारिश होती है वो किसके कारण होती है, आंसर क्या होगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि ये पश्चिम ये होता क्या है और ये कहाँ से उद्गम कहाँ से होता है, तो भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी जो है वहां से इसका उद्गम होता है। ये वर्ल्ड मैप आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसमें ये जो आप देखो ये कौन सा है, भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी है, यहां से उद्गम होता है, क्या होगा, यहाँ से साइक्लोन्स उठते हैं, चक्रवात उठते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स उठते हैं, ये इस तरह से ऊपर की ओर ये चक्रवात इस तरह से उठेंगे, चक्रवात के कारण क्या होगा, ये जो नमी है, पानी की बूंदे हैं, ये क्या हो इसके साथ में जाएंगे, फिर इस तरफ से चलने वाली ये वेस्टर्लीज होती है जो पश्चिम दिशा की ओर चलती है, जेट इनको कहते हैं, जेट विंड्स, ये क्या करेंगी, इस तरफ से चलने वाली ये इसको लेके आ जाएंगी ये भारत में, कहते हैं यहाँ पे, यहाँ पे लेके, ये है सिंपल है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दो नंबर का आ जाए तो क्या लिखना है, भूमध्य सागर से उठने वाले जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, ट्रॉपिकल मतलब कौन से हो गए आपके, उष्णकटिबंधीय, ठीक है, वो जो साइक्लोन्स है वो उठेंगे, उसके बाद ये कौन सी पवने हैं, वेस्टर्लीज, तो कहाँ, वेस्टर्लीज मतलब पश्चिम की ओर है ना, पश्चिमी जो पवने हैं ये जेट स्ट्रीम्स हैं, ये क्या करेंगी, इनको भारत की तरफ आ जाती हैं, ये बात लिखनी है, साथ में ये बात भी लिखनी है कि भारत में कहाँ कहाँ इसका प्रभाव देखा जाता है, कहाँ देखा जाएगा, देखिए इस तरफ कौन कौन है, जम्मू एंड कश्मीर में देखा जाएगा, उसके बाद पंजाब में देखा जाएगा, हरियाणा में देखा जाएगा, पंजाब और हरियाणा साथ में, दिल्ली में देखा जाएगा, दिल्ली के साथ राजस्थान में, और थोड़ा थोड़ा यूपी में, ये यहाँ पे नीचे मेंशन किया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के साथ में, यूपी का वेस्टर्न पार्ट, क्योंकि पश्चिमी पार्ट है, और राजस्थान का कौन सा भाग है, नॉर्थ वेस्ट यानी ऊपर वाला एक तरह से है, जो इस पश्चिम की दिशा की ओर और ऊपर वाला नॉर्थ वेस्ट, हाँ नहीं, अब नॉर्थ वेस्ट में राजस्थान में कौन कौन हो गए, देखिए ये लिखिए, गंगानगर, मानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, इन जगहों पे इसका प्रभाव पड़ता है, ऐसे तो थोड़ा थोड़ा सब जगह ही होगा, सीकर में भी बारिश हो जाती है इसके कारण, समय मेंशन करना जरूरी है, समय कब से इसका, दिसंबर से मार्च है, मैक्सिमम कब होता है ये देखा जाएगा, तो जनवरी में या फेब में, था बार देखा है, ये मनाली लोग घूमने जाते हैं, कब जाते हैं, फेब में जाते हैं, डायरेक्ट ये इसकी डेट देख लेते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कब आने वाला है, उस टाइम वहाँ पे स्नोफॉल काफ़ी होता है। लाभ क्या होता है, देखिए इम्पोर्टेंट लाभ, रबी फसल, रबी फसल कब बोई जाती है, सर्दियों में बोई जाती है, रबी फसल जिसमें प्रमुख कौन सी है, गेहूं, उसके लिए ये जो बारिश है ये काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, गोल्डन ड्रॉप भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए गोल्डन ड्रॉप्स क्या होती हैं, तो मावठ की बरसात की जो बूंदें हैं वही क्या होती हैं, गोल्डन ड्रॉप्स होती हैं, क्यों होती हैं, क्योंकि गेहूं के फसल के लिए ये लाभदायक होती है। राजस्थान की कुल वर्षा का कितना है, ये 10%,
10% राजस्थान के बारिश केवल माउट माउट से। मैप एक और दिखा रखा है, सेम बात है, मेडिटेरियन सी है, यहाँ से ये क्या होंगी इस तरह से ये इंडिया में आ जाता है। इसके कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्यों कहा, क्योंकि ये जो डिस्टर्बेंस हो रहा है ये इंडिया के रेस्पेक्ट में तो ये कौन से हैं, पश्चिमी देश हैं, पश्चिमी एरिया है, वेस्टर्न एरिया है, तो इसीलिए इसका नाम ये पड़ा है। तो समझ में आ गया मावट क्या होती है, राजस्थान में सर्दियों में बारिश क्यों होती है, उसका यही कारण है। आई होप की सारी कहानी समझ में आई होंगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सारा का सारा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हैव ए गुड डे, गुड बाय।